We will discuss the relation between groundwater extraction, monsoons and earthquakes. एक्चुअली ये हमने कभी पढ़ा नहीं है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन प्लस मॉनसूनस और अर्थक्वेक्स का भी कोई रिलेशन हो सकता है, बट ये एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में था. दिस वॉज नॉट दैट डोमिनेंट न्यूज़, बट इस तरीके की जो न्यूज़ होती हैं वो हमें कई बार जो है प्रिलिम्स में हमारे आंसर्स में ऑप्शंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं. तो लेट्स कॉन्टिन्यू कि इसमें क्या है. ओके, सी द अलार्मिंग फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स इन दिल्ली NCR लास्ट ईयर मे हैव बीन द रिजल्ट ऑफ रैपिड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन द रीजन अकॉर्डिंग टू अ स्टडी. तो एक स्टडी करी गई थी जिसमें ये पता लगा कि दिल्ली NCR में जो कभी कभी ऐसा होता है कि वाइल्ड रिवर्स फील होते हैं, ठीक है, एंड ये जो है ये देखा गया कि मतलब ये एक स्टडी करी गई जिसमें देखा गया कि जो रैपिड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये अर्थक्वेक्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. ठीक है, उस चीज़ से ये रिलेटेड हैं. ओके, सो स्टडी कैरीड आउट बाय रिसर्चर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रौरकेला. तो ये जो स्टडी की गई थी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रौरकेला की तरफ से की गई थी, ठीक है. वाइल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वॉज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर द अर्थक्वेक्स, इट डिड अपीयर टू इन्फ्लुएंस सीजमिक एक्टिविटी इन द रीजन. सी, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ओनली फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब अर्थक्वेक्स आते हैं या सीजमिक एक्टिविटी होती है, बट डेफिनेटली जो भी सीजमिक एक्टिविटी उस रीजन में होती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी एक रीज़न है, ठीक है. तो ये इस स्टडी में देखा गया था. नाउ अर्थक्वेक्स हैव बीन फाउंड टू बी लार्जली अकरिंग इन द टॉप 25 किलोमीटर ऑफ द सर्फेस एंड अ रिलेशन हैज़ बीन फाउंड बिटवीन द विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम एक्विफायर्स एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेबलाइजेशन ऑफ फॉल्ट्स अंडरनीथ द एक्विफायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन. तो हमें पता है कि जो अर्थक्वेक्स नॉर्मली होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि फॉल्ट्स के बीच वजह से होते हैं. देर आर सम फॉल्ट्स एंड वो जो फॉल्ट्स एक्टिव हो जाती हैं और जब उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो दैट वी एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक. सो होता क्या है कि जब भी ये जो विड्रॉल होता है ग्राउंड वाटर का उसके एक्विफायर से जो भी विड्रॉल होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो विड्रॉल होता है इससे जो नीचे की जो फॉल्ट्स होती हैं ना वो डीस्टेबलाइज हो जाती हैं. सपोज़ कोई ऑलरेडी एक फॉल्ट है, कोई क्रैक है, वो और ज़्यादा डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है. तो इससे क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सटेंशन होता है, विच दीज टू आर द डोमिनेंट फोर्सेज बिहाइंड अर्थक्वेक्स, ठीक है. एंड इस कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन से जो है कई बार माइल्ड अर्थक्वेक्स फील होते हैं या अर्थक्वेक्स होने के लिए एक फैक्टर हमारे पास में मिल जाता है, ठीक है. तो ये इसमें देखा गया है. नेक्स्ट इसमें क्या है कि सी ये दिस वॉज द फिगर गिवन इन द न्यूज़पेपर. जो स्टडी इसमें करी गई उसमें ये देखा गया कि जो इलीगल वाटर एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम है दिल्ली की वो किस तरीके से इस पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है. इलीगल बोरवेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सटेंसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग होती है इन एंड अराउंड दिल्ली रीजन. सी, दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, एक्चुअली पूरे ही नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है. इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन प्लस misuse of groundwater, ठीक है. तो स्टडी में जो देखा गया वो ये देखा गया कि सीजमिसिटी जो अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट में होती है पॉसिबली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन टेक्टोनिक ग्राउंड वाटर पंपिंग, ठीक है. ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से नहीं है, प्लेट मूवमेंट की वजह से नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन टेक्टोनिक ग्राउंड वाटर पंपिंग रिजल्टिंग इन फॉल्ट डीस्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से कोई भी फॉल्ट हो सकता है, माइनर फॉल्ट हो, वो डीस्टेबलाइज हो जाती है. नेचुरली अकरिंग हाइड्रोलॉजिकल अनलोडिंग फ्रॉम एलुवियल एक्विफायर्स ऑल्सो प्ले अ रोल. अर्थक्वेक अकरेंस रिड्यूसेस बाय 20-30% आफ्टर प्रेसिपिटेशन इंडिकेटिंग अ स्टेबलाइजिंग रोल. ये भी हम देखेंगे. इसमें ये भी एक स्टडी में देखा गया कि अर्थक्वेक अकरेंस जो है रिड्यूस हो सकता है 20-30% तक. कब? प्रेसिपिटेशन के बाद में, बारिश के बाद में. दैट मीन्स मॉनसूनस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन माइल्ड अर्थक्वेक्स में या इन ट्रेमर्स में, ठीक है. तो ये इस स्टडी में देखा गया है. इट कोरिलेट्स विद द एंथ्रोपोजेनिक ग्राउंड वाटर पंपिंग.
for extensive irrigation, urban activities and seasonally controlled hydrological loading cycle of the Indo-Ganga basin hosted freshwater aquifers. ठीक है कि जो भी anthropogenic groundwater pumping होती है ये उससे related है, जो कि extensive irrigation के लिए, urban activities के लिए और seasonally भी जो Indo-Ganga basin में जो भी hydrological loading होती है, ठीक है, उसकी वजह से होती है. Now हमने ये देखा, we found that once the aquifers were recharged, they actually stabilized the plates underneath them, but when water was extracted, it led to plate movement and creation of stress. तो जब ये जो aquifers होते हैं ये recharge हो जाते हैं, जो obviously monsoon के through होंगे, बारिश के through होंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि ये अपने नीचे की जो plates होती हैं, इन aquifers के नीचे की जो plates होती हैं, ठीक है, तो उनको ये स्टेबलाइज कर देते हैं. बट जब पानी निकाला जाता है, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन होता है, तो ये प्लेट मूवमेंट करता है और एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स मतलब के बीच में एक रिलेशन सेट हो जाता है, ठीक है. And this is what destabilizes the tectonic plates under the water aquifers. So there was a connection between the monsoon rains recharging the aquifers and a reduction in earthquake frequency. तो हमने देखा कि किस तरीके से monsoon rains के बीच में, ठीक है, और इन aquifers के बीच में और earthquake की frequency के बीच में एक relation establish हो जाता है. On studying last year's data too, it was found out that earthquakes begin occurring frequently. From April onwards, earthquakes frequently होने लगते हैं. However, when the monsoons came, earthquakes ceased. कम हो जाते हैं. Data shows a 20-30% reduction in the seismic frequency post monsoon rains. So we have seen how the groundwater extraction, the level of aquifers and the level of rainfall, that means in India's case it is monsoon, how it affects the seismic activity within a region. Okay, so I hope that's clear to you. And if suppose there is an option within the prelims ki groundwater extraction bhi hai, jo hai earthquake ko affect karta hai, monsoon activity bhi affect karti hai, to obviously now we know that that is true. That's it, and thank you.